पंजाब नाल जुड़े हुए कुछ अहम सवाल तुहाडे कोलों कि नवी सरकार बनन तो बाद पंजाब नशा मुक्त होने वाल वध रहा है। पंजाब च NDPS एक्ट के तहत 4 हफ्तों में 1468 लोगों की गिरफ्तारी के की मायने ने, कि नशे के खिलाफ जंग में STF वड्डियां मच्छियां ते शिकंजा कस पा रही है। इन सारे मुद्दों से पंजाब की बात विच साडे पत्रकार हरप्रीत सिंह ने फतेहगढ़ साहब के वसनीकां नाल गलबात की। हम खड़े हैं पंजाब की बात लेकर श्री फतेहगढ़ साहब में और लोगों से बात करते हैं कि कितनी कारागार सिद्ध हो रही है कैप्टन की सरकार नशे के खिलाफ। हमारे साथ कुछ दोस्त हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइए कि क्या मायने हैं कि 4 हफ्तों में कितना नशा टूटेगा, नेटवर्क टूटा है? इसमें जो है ये कहना चाहूँगा कि देखने में जो आ रहा है कि काफ़ी इसमें सरकार की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मुहिम चलाई जा रही है और इसमें काफ़ी हद तक वो सही भी साबित हो रही है। काफ़ी जगह पे तरह तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जिसकी वजह से जो नशे के लोग जो नशा बेच रहे थे उन पे शिकंजा कसा जा रहा है। बिल्कुल जी, STF तो बिल्कुल शिकंजा कसी जा रही है और कसनी भी चाहिए जी, सरकार के हित में जाएगी। और बहुत अच्छा, जो अपने यंग ब्लड हैं जो नशे में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं वो दूर होंगे और अच्छे सेहत का और अच्छे परिवार को लेके सम्मिलित होंगे। जदों तो सरकार ने वांगडोर संभाली है पंजाब, जदों तो देखण च है भी नशा जिहड़ा वो साडे राज उदेश कमी आ रही है। अगर कोई नशा बेचता है, कोई खरीदता है, तो अगर आम पब्लिक पुलिस को सहयोग नहीं दूगी तो पुलिस दे विच कार्रवाई किदां करूगी? अगर आम पब्लिक पुलिस को शिकायत करदी है, कोई दस दी है, तो पुलिस कार्रवाई करूगी? हाँ जी बिल्कुल, लगता है ये 4 हफ्तों तो जिहड़ा सरकार ने वधिया काम करी है, नशे पत्तियां नूं बंद करिया ते शहर पिंडां दे विच थां थां दे विच जिम क्लब खोले गए ने ताकि मुंडे नशे वल छड्ड के इधर अपने पासे ज़्यादा रहन ते अपने सेहत जरूरी ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਖਤੀ ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਫਰਕ, ਹਲੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। लोगों का कहना है कि नशे के खिलाफ सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है और जल्दी इसके ऊपर नकेल कस ली जाएगी। हरप्रीत सिंह, जी मीडिया, फतेहगढ़ साहब।